और देखिए ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीरें हैं। हमारे एडिटर इन चीफ एनसीओ डॉक्टर जगदीश चंद्र इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ में मौजूद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर और वहाँ के जो एडिटर हैं वो भी मौजूद हैं। तो देखिए आज खास मौका है क्योंकि एक और नया आयाम स्थापित करने जा रहा है फर्स्ट इंडिया। लगातार 10 सालों से हमारा सहयोगी चैनल सर्वश्रेष्ठ चैनल है राजस्थान का, और हर खबर सबसे पहले राजस्थान की आपको मिलती है फर्स्ट इंडिया पर। और यहाँ देखिए राजस्थान के रंग भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि आज यहाँ एक नए स्टूडियो का उद्घाटन है जिसके लिए पहुंचे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो यहाँ पर राजस्थान के रंग भी आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ चैनल है हमारा सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया। तो ये लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और क्योंकि राजा रजवाड़ों का ये राजस्थान रहा है हमेशा से, तो वही आप देखिए जो स्वागत हो रहा है वो भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे खास मेहमान के तौर पर आज पहुंचे राज्यवर्धन सिंह राठौर, वहाँ के संपादक साथ में मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरें लगातार आप इन तस्वीरों को देखिए, ये आज जो जश्न की तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया में, नए स्टूडियो का उद्घाटन आज होने जा रहा है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अत्याधुनिक स्टूडियो है अपने आप में जिसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और लगातार ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया हमारे सहयोगी चैनल की आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है क्योंकि आज 10 साल के सर्वश्रेष्ठ सफर में एक और नया आयाम स्थापित हुआ है। अत्याधुनिक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टूडियो जिसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, साथ में मौजूद है हमारे सीनियर एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। देखिए जाहिर तौर पर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा इस बार एस्टैब्लिश हुआ है, इस तरह से डेवलप किया गया है कि जो बड़े बड़े नेशनल चैनल्स हैं वो भी पीछे छूट जाएं। और राज्यवर्धन सिंह राठौर का स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आप लगातार फर्स्ट इंडिया हमारे सहयोगी चैनल की देख रहे हैं, जहां पर तिलक लगाकर, जो हमारी भारतीय परंपरा है, तिलक लगाकर हमेशा अपने मेहमानों का स्वागत किया जाता है। और जब आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में देखिए खासतौर पर यहाँ का जो अपना स्वागत है वो विशेष है। तो यहाँ पर भी वही खास तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और जो फर्स्ट इंडिया के तमाम एंकर्स हैं वो भी इस वक्त वहाँ पर आप देख रहे हैं, उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर का। तमाम जो नेशनल चैनल्स हैं उनको टक्कर देता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है फर्स्ट इंडिया में। और आज हमारे अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं, और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त नजर आ रही है। और देखिए जो सहरा बांध, जो यहाँ पे साफा बांधा जाता है वो साफा भी इस वक्त बांधा जा रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौर को स्वागत स्वरूप, सम्मान स्वरूप। सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है क्योंकि लगातार चैनल नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो लगातार आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीनियर एडिटर इन चीफ वहां पर मौजूद हैं, वहां के संपादक मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारी वो मौजूद हैं, वहां के जो एंकर्स हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर आज मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं स्टूडियो के उद्घाटन कार्यक्रम में, अत्याधुनिक स्टूडियो जो कि बनकर तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन आज होने जा रहा है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट इंडिया का। और देखिए जाहिर तौर पर आज अनेक विषयों पर चर्चा भी होगी, तो फर्स्ट इंडिया के लिए आज बहुत ही खास दिन है। 10 सालों से लगातार फर्स्ट इंडिया राजस्थान की आवाज बनता रहा और आगे भी लगातार बनता रहेगा। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां पर देखिए क्योंकि हमारे देश में किसी भी खास मेहमान के स्वागत की परंपरा है, क्योंकि हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर वही आप तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और खास तौर पर देखिए अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो मेहमानों का स्वागत होता है वो बड़े अनोखे अंदाज में होता है। तो आज जब राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हैं हमारे चैनल फर्स्ट इंडिया, तो वहां पर उनका स्वागत भी जोरदार तरीके से हो रहा है। और फर्स्ट इंडिया का जो पूरा स्टाफ है वो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो देखिए आप सभी चीज़ें आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया के उस स्टूडियो की, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है, अत्याधुनिक है, तमाम सुविधाओं से लैस है। और स्टूडियो की तरफ बढ़ते हुए
सीनियर एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र राज्यवर्धन सिंह राठौर, वहाँ के संपादक पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर और तमाम वहाँ के सहयोगी। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के अत्याधुनिक स्टूडियो की तस्वीरें देखिए, और उद्घाटन समारोह के लिए पहुंच चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। यह स्टूडियो में दीपन काटकर स्टूडियो का उद्घाटन होगा, और देखिए बेहद शानदार है यह स्टूडियो जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अगर आप नजर डालें फर्स्ट इंडिया के, तो आपको नजर आएगा कि अच्छे अच्छे जो नेशनल न्यूज चैनल हैं उनको टक्कर देता हुआ ये स्टूडियो है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ और इस वक्त मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के अत्याधुनिक स्टूडियो का उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौर। आप देखिए दीपन काटकर स्टूडियो का उद्घाटन करेंगे और अत्याधुनिक ये स्टूडियो बनकर तैयार है, जहां से आपको राजस्थान की तमाम खबरें मिलेंगी सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक। और क्योंकि देखिए चुनाव का मौका है, सबसे खास बात यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, राजस्थान की 25 सीटें हैं जिन पर लगातार फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज भी जारी है, और हर एक एक सीट का सही सटीक विश्लेषण भी आप फर्स्ट इंडिया के जरिए देख पा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की आप देख रहे हैं, और ये देखिए रिबन काटकर उद्घाटन किया जा रहा है स्टूडियो का, जो अत्याधुनिक है, जो तमाम सुविधाओं से लैस है। फर्स्ट इंडिया के 10 सालों का सर्वश्रेष्ठ सफर रहा, जिनमें सबसे पहले आपको सबसे सटीक खबरें राजस्थान के खासतौर पर मिली, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर की खबरें भी। और ये देखिए रिबन काटकर फर्स्ट इंडिया के इस स्टूडियो का उद्घाटन किया गया, नेशनल चैनल्स को टक्कर देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ। जनवरी 1970 को जैसलमेर में जन एकाग्रता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की भावना। 1998 में 28 साल की उम्र में खेल के लिए बंदूक उठाई। सीईओ पवन अरोड़ा भी इस मौके पर मौजूद है, वहाँ के जो हमारे सहयोगी एंकर्स हैं वो भी इस वक्त पूरा स्टाफ इस वक्त मौजूद है। क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर चैनल के लिए जश्न का दिन है, आप जब जब एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं तो किसी के लिए भी वो ऐतिहासिक लम्हा होता है, और चैनल क्योंकि नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, आज एक और नया कदम आगे बढ़ाया है। राजस्थान के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार है जिन्होंने अपनी सियासी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट से उतारा। पहले ही चुनाव में राज्यवर्धन ने शानदार जीत हासिल कर अपनी लोकप्रियता दिखा दी। पहली बार सांसद बनते ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका मिला। राठौर को बतौर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी